नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित इस श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ज्योतिबा फुले। जिस तरह बंगाल में राजा राममोहन राय का नाम बच्चा बच्चा जानता है, उसी तरह महाराष्ट्र में हर बच्चे की जुबान पर ज्योतिबा फुले का नाम है। उन्होंने स्त्री शिक्षा की नींव डाली और विधवा विवाह तथा विधवाओं के पुनर्वास के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे के एक माली परिवार में हुआ। पिता गोविंद राव अनपढ़ थे, किंतु चाहते थे कि उनका पुत्र पढ़े लिखे और समाज में आगे बढ़े। लेकिन उन दिनों पुणे में कट्टरता व जातिवाद का बड़ा जोर था। विद्या पाने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही था। फिर भी उर्दू फारसी के शिक्षक गफ्फार बेग मुंशी और ईसाई पादरी लेजिट के सहयोग से ज्योतिबा की पढ़ाई लिखाई हुई। ज्योतिबा का एक मित्र था सदाशिव बल्लाल गोवंदे, जो एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का था। दोनों के विचारों में बड़ी समानता थी। दोनों दलितों और शोषितों में जागृति लाना चाहते थे। एक बार ज्योतिबा अपने मित्र से मिलने अहमदनगर गए। वहां उन्होंने एक अमेरिकन मिशनरी मिस फरार द्वारा चलाई जा रही स्त्री पाठशाला देखी। बस ज्योतिबा को जैसे अपनी राह मिल गई। उन्होंने पुणे लौटकर निम्न जाति की स्त्रियों के लिए एक विद्यालय खोला। कट्टरपंथियों ने इसका कड़ा विरोध आरंभ किया। अरुणा साहब, कुछ सुना आपने? क्या? गोविंद राव के पुत्र ज्योति ने स्त्रियों की एक पाठशाला खोली है। वो उन्हें पढ़ाकर हमारे बराबर बैठाने का षड्यंत्र कर रहा है। कुलकर्णी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुजूर। स्त्री शिक्षा जाति और समाज के विरुद्ध है। शिवराम जी। जी। क्या बहुत सी स्त्रियां जाने लगी हैं उसकी पाठशाला में? अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे ये रोग सारे नगर में फैल जाएगा हुजूर। शिवराम जी, भला बताइए, अगर स्त्री अपना गांव, कस्बा या पति छोड़कर नौकरी या कामकाज के लिए जाती है तो इससे बड़ा पाप क्या होगा? ठीक कह रहे हैं कुलकर्णी जी, फिर पढ़ लिख कर लड़कियां अपने बड़ों का सम्मान करेंगी भला? शिवराम जी, घर की लाज बाहर गई तो समझिए इज्जत भी गई। अन्ना साहब, ज्योति को ये सब नहीं करने दिया जाना चाहिए। सरकार, सरकार। क्या है? मालकिन ने मुझे पांडु नाई के घर भेजा था उसकी घरवाली को लिवा लाने के लिए। मालकिन के जोड़ों में दर्द है, वे मालिश करवाना चाहती थी। तो ये मुझे क्यों बता रहा? सरकार, मैं पांडु के घर गया तो पता चला उसकी घरवाली पाठशाला गई है। कहता था शाम को आ जाएगी। देख लिया आपने अन्ना साहब, अभी तो पाठशाला जाना शुरू हुआ है तो ये ना करे हैं। जब पढ़ लिख जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। ढोंडो। जी सरकार। जरा जाकर पांडु नाई को तो बुला ला। अच्छा सरकार, अभी लाया। लीजिए, अब स्त्रियां भी पाठशाला जाएंगी। कलयुग, घोर कलयुग।
लीजिए अन्ना साहब, पांडू नाई आ गया। पाए लागू सरकार, मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना सरकार। कौन पांडू? जी सरकार। अच्छा, तेरे घर में सब ठीक ठाक है? सरकार आपकी कृपा है। हमारी कृपा की तुझे अब क्या जरूरत? जी, तू तो अपनी घरवाली को पढ़ा लिखा कर उसे नौकरी करवाएगा, घर बैठे आमदनी होगी। अरे राम 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 राम, ये क्या कह रहे हैं सरकार, जोरू से नौकरी करवाऊंगा? अब जब उसे पढ़ा लिखा रहा है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा ही ना। वो तो सरकार ज्योति बा ने पाठशाला खोली है ना, हम गरीबों के लिए है, तो मैंने सोचा मेरी घरवाली भी नाम लिखना सीख जाए। अरे मूर्ख, तो ज्योति की चाल कहाँ समझेगा, वो तो तुम लोगों की औरतों को बहका रहा है। ना 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 ना, कुलकर्णी भाऊ आप ठीक कह रहे हैं, इसकी समझ में ये बात नहीं आएगी। अरे ज्योति ने उस ईसाई फिरंगी का स्कूल देखकर ही अपनी पाठशाला खोली है, ये तो ईसाई बनाने का बहाना है। अरे राम 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 राम, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? तो क्या शिवराम गलत कह रहे हैं? अरे अभी चेतो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो आ गया समझ में? जी सरकार जी। पुणे के कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा की पाठशाला का तरह तरह से विरोध किया, कभी उन पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया, कभी माली जाति के लोगों को उनके विरुद्ध भड़काया, तो कभी निम्न जातियों के लोगों को डराया धमकाया। फिर भी ज्योतिबा अपने संकल्प पर डटे रहे। इस संघर्ष में उन्हें अपनी पत्नी सावित्री का पूरा सहयोग मिला। सुनिए, देखिए आपके मित्र गोवंदे ने हमारी पाठशाला के लिए कितनी पुस्तकें भेजी हैं। देखो, अरे सावित्री जी, ये किताबें लाया कौन? गोवंदे भाऊ का कोई आदमी आया था आज दोपहर, तब आप घर में नहीं थे। अच्छा अच्छा, सावित्री कई बार सोचता हूँ गोवंदे और सदाशिव की सहायता और प्रेरणा के बिना मैं शायद ये पाठशाला नहीं चला पाता। ऐसा क्यों कहते हैं? ये सच है कि ब्राह्मण होते हुए भी आपके मित्र आपके पुण्य कार्य में आपकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन आप में जो लगन है उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। सावित्री है, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आपके हर काम में हाथ बटाना मेरा धर्म है, कहिए तो क्या करना होगा? इतने दिन हो गए पाठशाला खुले, लेकिन मुझे कोई शिक्षिका नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ ये काम तुम संभालो। मैं? हाँ। मैं कहाँ इतनी पढ़ी लिखी हूँ, आपने बचपन में जो पढ़ाया है मैं तो बस उतना ही जानती हूँ। फिलहाल इतना ही काफी है, इन निरक्षर महिलाओं के जीवन में प्रकाश लाने के लिए शुरुआत तो कर ही सकती हो। जैसा आप ठीक समझे, मैं पूरी लगन से काम करूंगी। मुझे तुमसे यही आशा थी सावित्री। अरे देखो, ज्योति की घरवाली जा रही है। अरे अब वो घरवाली कहाँ रही? अच्छा? घर से बाहर आ गई। अरे इसने तो सारी स्त्रियों की नाक कटा दी, कहती है पढ़ाई लिखाई से स्त्रियों का उद्धार होगा। भला बताओ, जो बात धर्म विरुद्ध है उससे उद्धार होगा या पतन? आई विद्या की देवी सरस्वती तो स्वयं स्त्री है, फिर स्त्रियों को विद्या ग्रहण करने से रोकेगी क्या? अरे चुप,
चार अक्षर क्या पढ़ गई, मुझे पढ़ाने चली है। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। तुम स्त्री होकर स्त्री शिक्षा का विरोध कर रही हो? अरे जो बात मर्यादा के विपरीत हो मैं उसका विरोध जरूर करूंगी। हाँ तुमने ठीक कहा आई। क्या हुआ क्या हुआ सावित्री बाई? किसी ने पत्थर मारा। कहीं चोट तो नहीं लगी सावित्री बाई? लगी हो तो भी आपको क्या? भाई ये पत्थर वत्थर मारना ठीक नहीं। अरे जो कुछ कहना है मुंह से कहना चाहिए। विरोध प्रकट करने के सबके अपने अपने ढंग हैं। सो तो ठीक है परंतु तुम भी बिना बात जिद पर अड़ी हो। जब तुम्हारी पाठशाला का इतना विरोध है तो बंद करो उसे। जिससे स्त्रियां हमेशा अज्ञान के अंधकार में रहकर आप लोगों के अत्याचार सहती रहें। सावित्री भाई जबान संभाल के बात करो वरना वरना किसी ने पत्थर मारा। क्यों अब समझ में आया? हे ईश्वर इन्हें क्षमा करना, ये भटक गए हैं। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। अरे चल चल आगे बढ़, कहीं और दो चार पत्थर पड़ गए तो यहीं ढेर हो जाएगी। सावित्री और ज्योतिबा के लिए इस तरह की घटनाएं आम हो गईं। फिर भी वो अपने संकल्प से डिगे नहीं। तब कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा के पिता गोविंद राव को भड़काना शुरू किया। गोविंद राव और ज्योतिबा में अनबन हो गई और ज्योतिबा को सावित्री के साथ पिता का घर छोड़ना पड़ा। पाठशाला बंद हो गई लेकिन उनके मित्र गोवंदे ने उनकी सहायता की और कुछ समय बाद पाठशाला फिर खुली। दलितों को लगा कि उनका मसीहा लौट आया है। धीरे धीरे ज्योतिबा को सुधारवादी ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला और जन सहयोग भी। उन्होंने तीन विद्यालय और खोले। इन्हीं दिनों बंगाल के अग्रणी समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सक्रिय प्रयत्नों से 1856 में विधवा विवाह कानून पास हुआ। ज्योतिबा को लगा कि स्त्री शिक्षा के साथ साथ विधवाओं का विवाह करवाना, बाल विवाह और अनमेल विवाह का विरोध करना भी एक सामाजिक दायित्व है। वो दृढ़ संकल्प के साथ इस काम में जुट गए। उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम भी खोला। इन कार्यों में ज्योतिबा के मित्रों ने भी पूरी निष्ठा से भाग लिया। उनमें से एक थे महादेव गोविंद रानडे। एक दिन ज्योतिबा को पता चला कि रानडे पुनः विवाह कर रहे हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ महादेव? क्या बात है ज्योति? तुम विवाह कर रहे हो? हाँ मेरी पत्नी की मृत्यु को बहुत दिन हो गए हैं। पिताजी कहते हैं। सो तो ठीक है लेकिन मैंने सुना है तुम 11 वर्ष की बालिका से विवाह कर रहे हो। क्या करूं लड़की के परिवार वाले पिताजी के सिर हो गए हैं। लेकिन तुम्हारे विवेक को क्या हुआ? तुमने कितने ही विधवा विवाह करवाए हैं। क्या तुम भी किसी विधवा स्त्री से विवाह नहीं कर सकते थे? क्या कहते हो ज्योति, पिताजी के रहते क्या ये संभव है? ये दोहरे मापदंड मुझे पसंद नहीं। कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। सच आज तुमने मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाई। बड़ी पीड़ा पहुंचाई है ज्योति। ज्योति ज्योतिबा का सारा जीवन इन्हीं संघर्षों में बीत गया। कभी उन्हें प्रकाश की किरण दिखाई देने लगती और कभी उन्हें लगता जैसे सवेरा बहुत दूर है। कट्टरपंथियों को ज्योतिबा के ये क्रांतिकारी कार्य बहुत चुभते। एक रात रोड़े और ढोंडीराम नाम के दो व्यक्तियों को उनकी हत्या करने के लिए भेजा गया। ढोंडीराम चलो
भीतर चलकर काम तमाम कर दे। लगता है गहरी नींद सोया हुआ है। आओ चलो चलो आओ भाई आ जाओ। अरे ये तो जागा हुआ है। अरे मैं तो जागा हुआ हूँ लेकिन तुम लोग कब जागोगे? क्या मतलब? अरे रूढ़िवादियों ने मुझे और मेरी स्त्री को किस किस तरह से सताया है ये बात छिपी नहीं है, फिर भी तुम लोग उनकी बातों में आकर मेरी हत्या करने चले आए। ज्योति बाबू ये भी नहीं सोचा मेरा संघर्ष तुम ही लोगों के लिए है, फिर भी यदि मुझे मारकर तुम्हें शांति मिले तो उठाओ तलवार उठाओ। नहीं ज्योतिबा हमें माफ कर दो। ज्योतिबा हाँ ज्योतिबा हम उन लोगों के बहकावे में आ गए थे। आज से आप हमारे गुरु हैं। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। वही अच्छा, करेंगे। अच्छा तो कल से पाठशाला में पढ़ने आओ तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। हाँ ज्योतिबा तभी खुलेंगी। ज्योतिबा ऐसे खरे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ज्योतिबा दलित क्रांति और सामाजिक सुधारों की वजह से मसीहा बन चुके थे। 1888 में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। उन्हें दलितों का मुक्तिदाता, स्त्री शिक्षा का जनक और नए भारत का निर्माता कहा गया। बाद में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा को अपना गुरु बताया। ज्योतिबा फुले। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख क्षमा शर्मा, विशेष संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, नीरज शर्मा, अभय भार्गव, सरोज भार्गव, वीना होरा, जैमिनी कुमार, सुरेश शास्त्री, के एस पवार, मनोज भटनागर, सुरेंद्र सेठी, बी आर एल सक्सेना, बी एल टंडन, मंगत राम और मोहम्मद अयूब, ध्वनियांकन सतीश लाड़े तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम।